गुड मॉर्निंग भैया बहनों, आज हम पाठ 12 है सुदामा चरित्र, इसकी व्याख्या करेंगे। पाठ 12 सुदामा चरित्र, इसकी पहले जो ये पंक्तियाँ थी, इसकी पहले और दूसरी वाले जो पूरा सवैया पूरी थी जो अपन ने पढ़ ली थी, इसकी अर्थ इसकी व्याख्या कर ली थी। अब अपन तीसरे नंबर की जो दोए हैं, कविता है, ये काव्यांश है, इसकी अपन व्याख्या करेंगे। कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काख में रहे कहो कही है तू। ये प्रस्तुत जो काव्यांश है, ये किसके द्वारा? नरोत्तम दास द्वारा रचित कृष्ण चरित्र सुदामा से, यानी सुदामा चरित्र से लिया हुआ है। इसमें क्या, पहले अपन ने पहले वाले जो ये पंक्तियाँ थी इसमें अपन ने पढ़ा था कि जो सुदामा है कृष्ण के मित्र, वो कैसे द्वारिका आते हैं और द्वारपाल कैसे उनको श्री कृष्ण को कहते हैं कि द्वार पर कैसे फटी सी धोती में गरीब सुदामा, जिनके जूते भी फटे हुए, वो कैसे बाहर आए हैं और आपके दीनदयाल यानी आपका धाम पूछ रहे हैं। तो ऐसे करके उनके बारे में, उनके वेशभूषा के बारे में वो बताते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे फिर उसके बाद में कृष्ण सुदामा जी को अंदर लेके आते हैं और फिर वो देखते हैं कि उनकी बेवइयाँ फटी हुई है, यानी पैर की एड़ियाँ भी फटी हुई है। तो उनको बोलते हैं कि तुमने इतने दुख क्यों पाए हैं, तुम इतने दिन क्यों नहीं आए हो। तो उनकी करुणा निधि उनको सुदामा जी की दीन दशा को देखकर रोते हैं और पानी यानी अपन ने पढ़े थे नैनन के जल सो पग धोए, यानी सुदामा के पाँवों को धोते हैं। तो उनकी जगह पानी की जगह वो अपने नेत्रों के अश्रुओं से आंसुओं से उनके पाँवों को धोते हैं। इसके आगे अपन पढ़ रहे हैं, कछु भाभी हमको दिए सो तुम काहे न दे, यानी श्री कृष्ण सुदामा जी से कह रहे हैं कछु भाभी हमको दिए कि कुछ मेरी भाभी ने हमारे लिए भेजा है, सो तुम काहे न दे, तो तुम उसको यानी सुदामा को कह रहे हैं कि मेरी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा है तो तुम हमें काहे न दे, क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, यानी अपनी पोटरी को खाख में यहाँ दबाए हुए हो और इसको हमें क्यों नहीं देते हो। अब देखिए इसके आगे, आगे चना गुरु मात दिए तब ते लय तुम चाबत हम नहीं दीने, शाम कयो मुस्काय सुदामा सो चोरी की बान में जो प्रवीने, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नहीं सुधा रसबी ने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तेसे ही भाभी के तंदुल कीने। इसके शब्दार्थ भी देख लो आप, आगे यानी पहले, गुरु मातु यानी गुरु माता, दिए दये यानी दिए, चाबी यानी चबना चाबना या खा लेना, दीने यानी देना, शाम कयो मुस्काए मुस्कुराए मुस्काए यानी मुस्कुराना, शाम यानी श्री कृष्ण भगवान, कयो यानी कहकर, चोरी की बान में जो जू प्रवीणे, प्रवीणे यानी कुशल, बान यानी आदत। इसके बाद में खोलत यानी खोलना, सुधा सुधा यानी अमृत, भीने यानी डूबे हुए, पाछली यानी पुरानी पिछली, बानी यानी आदत, तजो यानी नहीं छोड़ना, तैसे यानी वैसे, तंदुल यानी चावल, और कीने यानी कर रहे हैं। अब अपन इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आगे चना गुरु मात दिए तब, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम आगे चना गुरु मात दिए तब, यानी तुमने आगे जब गुरु माता ने, आगे भी जब हम बचपन की घटना को याद करते हुए कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दिए तब, जब गुरु माता ने आगे आगे भी तुम्हें और हमारे लिए वन में लकड़ी जाते समय काटते हुए हमें चने दिए थे, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, और तुमने उन चनों को अकेले ही चाब लिया था और मुझे नहीं दिया था, शाम कयो मुस्काए सुदामा सो, यानी ये कहकर शाम मुस्काए सो, यानी शाम सुदामा से ये कहकर मुस्कुराते हैं, चोरी की बान में जो हूँ प्रवीणे की, तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी भी नहीं गई, यानी तुम अभी चोरी करने में कुशल हो, पोटरी काख में चापी रहे तुम, यानी पोटरी को काख में ही यानी काख में तुम दबाए हुए हो, खोलत नहीं सुधा रस भी ने, तो तुम इसे अभी खोलना नहीं चाहते हो जिसमें अमृत रूपी रस बरसा हुआ है, यानी उसमें कुछ है, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की ने, के पुरानी पिछली आदत को तुमने जैसा का वैसा रख रखा है और तुम भाभी के तंदुल यानी चावल
कि नहीं, यानी तुमने जो भाभी ने हमारे लिए चावल भेजे हैं तुम उसको नहीं दे रहे हो। इसके बाद देखिए, वह पुलकनी वह उठे मिलनी, वह आदर की बात, वह पटवानी गोपाल की कछु न जानी जात, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक का दही के काज, कहो भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नहीं हु तो वाही पटियो ठेली, अब कहियो समझाए के बहुत धन धरो सकेली। अब देखिए इसके बाद में सुदामा और कृष्ण की वार्तालाप होती है कि उन्होंने सुदामा श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आगे आगे भी तुमने जो गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो उसमें तो तुमने उसे खा लिए थे, तुमने उसे चबा लिए थे, कि तुम्हारी चोरी करने की आदत अभी भी नहीं गई है। ये कहकर वह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अब जो चावल दिए हमारे भाभी ने, जो चावल की ये पोटी तुम काक में दबाए हुए हो तो उसको हम देओ। इसके बाद में अब ये सब काम करने के बाद में जब कृष्ण जब सुदामा रास्ते में यानी श्री कृष्ण सुदामा को भेजने लग जाते हैं तो रास्ते में सोचते हैं वह पुलकिनी वह उठे मिलनी वह आदर की बात। देखिए इसमें सुदामा कह रहे हैं कि वह पुलकिनी वह रास्ते में सोचते हुए जाते हैं कि उन्होंने प्रसन्न हुए उसे उठे मिले, यानी वह अपना महल छोड़कर आए और मुझसे मिले, वह आदर की बात, वह मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह पटवानी गोपाल की कछु न जानी जात, यानी वह पटवान जब विदा के समय विदा जब श्री कृष्ण ने मुझे विदा किया कछु न जानी जात, तो भी उसने मेरी कोई भी जात न मानी और मुझे भूल गए क्या, यानी जब विदा के समय सारा काम कृष्ण भगवान अच्छा करते हैं लेकिन सुदामा जी को क्या पता कि कृष्ण भगवान ने सुदामा के लिए क्या दिया है, लेकिन उनके मन में थोड़ा सा ऐसे उनके श्री कृष्ण के प्रति भावना जाग उठती और वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे वे बहुत प्रसन्न हुए थे और मुझे बहुत सम्मान दिया था, लेकिन जब मैं जाने लगा यानी विदा लेने लगा तो उन्होंने मेरी जान में मुझे कुछ नहीं दिया, घर घर को ओढ़त फिरे तनक दही के काज, क्या मैं नहीं जानता कि घर घर यानी घर घर में जाते फिरते थे तनक दही के काज के, कुछ दही को प्राप्त करने के लिए वे घर घर जाते थे। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, जो अब क्या हो गया है, क्योंकि अब हरि यानी श्री कृष्ण भगवान को इतना बड़ा राज पाठ मिल गया है, हो आवत नहीं हु तो वाही पटियो ठेली, और उसने वह आए नहीं और उसने वाही पटियो ठेली उसने ही भेज दिए हैं, अब कहियो समझाए के बहुत धनो धरे सकेली, और अब मुझे समझा रहे हैं जबकि उनके पास बहुत सारी धन संपत्ति है फिर भी वह मुझे इस बारे में समझा रहे हैं, यानी श्री कृष्ण सुदामा जी कहते हैं कि जब मैं गया था तो उन्होंने मेरे को बहुत आदर भी दिया सम्मान भी दिया, लेकिन जैसे मेरे को विदा मुझे जाना था मेरे को विदा लेनी थी तो वह आकर मेरी तरफ झांके भी नहीं, और क्या मैं नहीं जानता कि वह दही के लिए थोड़े से दही के लिए भी घर घर जाकर फिरते थे, लेकिन अब तो वह इतने राजपाट के मालिक हो गए हैं, इतने धन संपदा के मालिक हो गए हैं फिर भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। ऐसा कहकर सुदामा के मन में खिन्न भावना जाग उठती है, जबकि उन्हें पता नहीं कि श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें क्या दिया है। इनकी इन सवैयों के अपन ने पाठ के अर्थ कर लिए हैं। आगे जो दो पंक्तियाँ और रह गई है जो इसके जो फिर अपन सुदामा चरित्र के पाठ के इसके अपन अगले वाले वीडियो में करेंगे। आज अपन आप इसी के शब्दार्थ और इसकी व्याख्या को करेंगे, अगले वाले वीडियो में अपन इसके आगे के व्याख्याएं करेंगे। थैंक यू। बंद हो गया ना, बस वो मिनट आने हो जाते हैं।